पंप तेल वाला ना, पेट्रोल पंप यहाँ नहीं है, और रास्ते जागती है। गाड़ी उस साइड है मेरी, इधर थोड़ी आई। और अभी मिली आओ, बाकी क्या मिली नहीं। ये रोड जाएगा? हाँ ये रोड चाहिए, घूमने के लिए सीधा चले जाओ। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप लगे खड़ा हो के आज ये पेट्रोल ना भरवाई नहीं है। चलो ना आगवा बारह चला। आगवा कहाँ भरा है? पेट्रोल है। दरअसल हुआ ये है ना कि आगरा एक्सप्रेसवे पे अगर आप आते हैं तो फिर इसमें 100 किलोमीटर के अंदर में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। ये हम लोगों को पता नहीं था, गाड़ी में पेट्रोल कम था तो हम लोगों ने सोचा कि हाईवे पे चलेंगे ले लेंगे। लेकिन अंदर आने के बाद जब हम लोग गूगल मैप में देखा तो कहीं दूर दूर तक पंप दिखाई नहीं दे रहा है पेट्रोल पंप। अमौसी मेट्रो ऊपर आप देख सकते हैं, मेट्रो के नीचे हम लोग हैं। ये सामने आप देख सकते हैं लखनऊ का एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। और अभी हम लोग लखनऊ में हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। भैया हैं पीछे, आप मनीष जी को देख सकते हैं, दीपक जी हैं साथ में। लखनऊ हम लोग पहुँच चुके हैं। पिछला ब्लॉग वीडियो आपने देखा रांची का, रांची में कई सारे वीडियो शूट किया हमने जो आपको ब्लॉग पर दिखाया। अभी हम लोग लखनऊ पहुंचे हैं और आपको बहुत बढ़िया घर बनाने लायक सस्ता में प्लॉट दिखाने वाले हैं। लखनऊ लगातार तेज़ी से डेवलप कर रहा है और बहुत सारे लोग अपने यहाँ के जो हमारे पूर्वांचल के यूपी बिहार खासकर गोपालगंज सिवान के लोग इधर ज़मीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कई सारे वीडियो हमने यहाँ प्लॉट का दिखाया और कई सारे लोग यहाँ का डिमांड कर रहे थे कि भैया और कोई प्रोजेक्ट हो तो दिखाइए। तो आज मैं पहुँच चुका हूँ लखनऊ में, आपको बहुत अच्छा सस्ता में प्लॉट दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे खरीद के घर बना सकते हैं और कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे उधर एरिया डेवलप हो रहा है, वो पूरा कवर करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, आज लखनऊ का ब्लॉग वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो लखनऊ में सस्ते प्लॉट का वीडियो शूट हो चुका है और अभी हम लोग चल रहे हैं कुछ पेट पूजा के लिए, फिर आगे आगरा के लिए निकलेंगे लखनऊ। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं और लखनऊ से बाहर निकल रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पे हम लोग हैं और हम लोग लग रहा था कि रोड पे पेट्रोल पंप होगा, कहीं पेट्रोल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है एक्सप्रेसवे पे। हमारी गाड़ी वहाँ पे बंद हुई है। अभी पेट्रोल है, मैंने अभी हम लोग 5-10 मिनट जा सकते हैं, लेकिन आगे कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। गूगल मैप पर सर्च किया हमने तो यहाँ इस गाँव में पंप दिख रहा है और ये बैरिकेडिंग देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग खोजते हुए आ रहे हैं, कहीं बीच में ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता कटा हुआ है और ये हमारे गजोदर बाबा। बड़ा खतरनाक रोड है यहाँ पे, बड़ी तेज स्पीड में गाड़ियां आ रही है। यहाँ तो दूर दूर कहीं पंप नहीं दिख रहा है। मनीष, मनीष कहाँ पंप है देख रहे हो? पंप यहाँ दिख रहा है, वहाँ सामने कहीं पे कहीं दिख तो नहीं रहा है कुछ। कैसे जाओगे यहाँ पे, खुला हुआ है रास्ता देखो। देख कितने खतरनाक गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी स्पीड में ना। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेसवे पे कोई पशु भी नहीं आ सकता। ये
ये इतना हाइट है रोड का, बीच में नाला है और उसके बाद ये दो वायर लगाए गए हैं इसके, मतलब कोई जानवर भी गलती से रोड पे नहीं जा सकते, इतना सेफ बनाया गया है। लेकिन ये जानवर पार कर गया। एक वहाँ गधा पार किया है, देखो गधा वहाँ है और एक यहाँ, एक ये पार किया। अच्छा कभी कभी ऐसे जगह हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ कभी सोचा भी नहीं होता हम लोग। ये पता नहीं कौन सा गांव है, गजोधरी कहाँ, कहीं गूगल मैप पे तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पंप कहाँ दिख रहा है। इधर कहीं पेट्रोल पंप है क्या? तीन किलोमीटर है भैया, यहाँ दिख रहा है देखो ना गूगल मैप पे, यहाँ पंप इधर नहीं है पेट्रोल, वहाँ पे है, इस रोड से जाना होगा है? ये कौन सा गांव है? लोधर दुख का खेड़ा है। अब गजधरी हो एकदम पुराना गांव जैसे गांव है ना ये, इधर देखिए पेट्रोल पंप, इधर कहीं पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप बनाई इधर तो दिख रहा है कहीं, नेट पे दिखा रहा है इधर कहीं आगे में पंप तेल वाला ना पेट्रोल पंप, यहाँ नहीं है और रास्ते जाती है पीछे, कैसे कैसे दिया कैसे, हम लोग इधर जा रहे हैं, गाड़ी वहाँ हम लोग की है, है? इधर कितना दूर होगा? एक किलोमीटर जाओगे पैदल? गाड़ी उस साइड है मेरी, इधर थोड़ी आई। और अभी ये मिली आओ, बाकी क्या मिली नहीं। ये रोड जाएगा? हाँ ये रोड जाएगा, घूमेंगे फिर सीधा चले जाओ। मैं पैदल बहुत अच्छे से दूरी पहुँचा। दूर है? साइकिल की लगे हैं, साइकिल की, साइकिल है। साइकिल हो तो दीजिए ना अभी। साइकिल मिलेगा तुमको यहाँ। और आगे कहीं नहीं होगा ना? यहाँ तो नहीं पता, आगे भी नहीं पता, कोई सोल्यूशन नहीं बालक। पेट्रोल नहीं मिला, बता रहा है लोग कि आगे जाने पे कहीं मिलेगा। अरे कहाँ से हम लोग क्रॉस किए थे? कहाँ? आजरे आजरे मेरे दिल रे आजरे। बाइक वाला से पूछो ना, पूछ लो। हम कर रहे हैं क्या होगा, हम करेंगे हेल्प नहीं पेट्रोल पहुंचाओ सर, क्या बोलो सर,
पेट्रोल नहीं मिला। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। पंपो को बताओ दर्शन जी, इधर नहीं है, मैं इसमें तो दिखा रहा है, यहीं पे है, तो पास में दिखा होता। कौन दर्शन है नहीं नहीं की अब बोलती है मैं पेट्रोल पंप लगे खड़ा हो के आज ये पेट्रोल ना भरो ही नहीं है। चलो ना आगे बारा चला, आगे कहाँ भरा है। लड़का आ जाएगा, बुला दो, आवाज दे दो, आ जाएगा। वहां सामने झोपड़ी में पेट्रोल दिख रहा है, गैलन रखा हुआ। लड़का को आवाज दे दो, आ जाएगा। पेट्रोल है। दरअसल हुआ ये है ना कि आगरा एक्सप्रेसवे पे अगर आप आते हैं तो फिर इस पे 100 किलोमीटर के अंदर में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, ये हम लोगों को पता नहीं था। गाड़ी में पेट्रोल कम था तो हम लोगों ने सोचा कि हाईवे पे चलेंगे, ले लेंगे। लेकिन अंदर आने के बाद जब हम लोग गूगल मैप में देखा तो कहीं दूर दूर तक पंप दिखाई नहीं दे रहा, पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दे रहा। और कई जगह हम लोग जब उसमें शो करने लगा कि अब तेल ख़त्म होने वाला है, रिजर्व में गाड़ी चल रही थी, तभी हम लोग पेट्रोल पंप की तलाश कर रहे थे। अभी यहाँ पे एक झोपड़ी दिखाई दी, वहाँ पे गैलन में पेट्रोल रखा गया था, 12 नंबर का। ज्यादा दूर नहीं आएगा तो है, रिलायंस वाला उधर 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 है। कौन गांव है बाबू? रसूलपुर चट्टी है। रसूलपुर चट्टी थोड़ी है, सादीपुर किधर है? अरे सादीपुर, हाँ सादीपुर भी है यहाँ। आई का है कतरी लगाओ तरह गजोतरी। अरे ऐसे चल जाइए आराम से। हम देखो तो नहीं होंगे कोनो दुकानों लोगों पेट्रोल के वे थे ध्यान में रहो पेट्रोल पर मैंने लोग की नाच फुट पर दिया था काम। ये यहाँ पे रनवे बनाया गया है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। आपने देखा होगा जब एक्सप्रेसवे की इनॉग्रेशन किया जा रहा था तो यहाँ पे फाइटर प्लेन उतार के भी उसका ट्रायल किया गया था। लखनऊ से कितना 100 किलोमीटर है क्या?
था, यूपी में अभी 98 रुपये पेट्रोल है। और यहाँ बताया गया कि ये लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से फिर 120 किलोमीटर आगे तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना पेट्रोल पंप, ना चाय पंप, ना कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं है बीच में कुछ भी नहीं है। फूड कोर्ट, चाट एंड चाय, यहाँ से चाय पानी हो गया। फाइनली हम लोग फिरोजाबाद पहुंच गए। फिरोजाबाद में एक कांच की फैक्ट्री, यहाँ फिरोजाबाद जो शहर है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, यहाँ पे एक कांच की फैक्ट्री, क्रॉकरी फैक्ट्री का शूट करना है। और अभी हम लोग मोनार्क होटल में आ गए, यहाँ पे हमारा पहले से रूम बुक है। और ये बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना, आज पूरा रास्ते पर पूरा तेज़ बारिश हुआ, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, अभी ड्राइवर सीट पर हूँ। तो फाइनली आज फिरोजाबाद में हम लोग का पहला दिन है, और अभी हम लोग तैयार हो गए और यहाँ से निकलेंगे वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पे एक कांच की फैक्ट्री, फिरोजाबाद एक्चुअली कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है ना, यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो हम लोग देखेंगे कहीं चूड़ी की फैक्ट्री मिले तो शूट करेंगे। एक क्रॉकरी की फैक्ट्री में हम लोग जा रहे हैं, और जहाँ पे कांच के बर्तन बनाए जाते हैं उसका वीडियो शूट करेंगे। और फिर यहाँ से आगरा निकलेंगे, आगरा में भी कुछ वीडियो शूट करना है। इस ब्लॉग में बने रहें, फिरोजाबाद से आगरा तक आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ।